स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्क्वायर ऑफ ए क्लासेस में। तो चलिए बिना टाइम को लॉस के स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है इमुलेशन, एक्ट एज ए नाउन, मीनिंग इसका है अनुकरण, मीनिंग एफर्ट टू मैच और सरपास अ पर्सन और अचीवमेंट टिपिकली बाय इमिटेशन। एफर्ट लगाना और किसी पर्सन के आगे बढ़ना, आगे जाना या उसको कॉपी करना। सिनोनिम इसका फ्रेंड इमिटेशन, कॉपिंग, फॉलोइंग, किसी को आप फॉलो कर रहे हैं, किसी को आप देख के अपनी चीज़ों में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। एंटोनिम उसका ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल चीज़ आपकी खुद अपनी स्पेसिफिक चीज़ है। यूजेस की बात करें तो देयर सक्सेस इज इंस्पायरिंग इमुलेशन फ्रॉम अदर, उसका जो सक्सेस है वो इंस्पायरिंग इमुलेशन, अनुकरण है दूसरों से। नेक्स्ट वर्ड फ्रेंड्स गैमट, गैमट एक्ट एज ए नाउन एंड सेंटेंस, का मतलब होता है सीमा, द कंप्लीट रेंज और स्कोप ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की रेंज कि कितनी दूर तो वो जा सकता है, स्कोप कि कितना उसका स्कोप है। सिनोनिम की बात करें तो फ्रेंड रेंज, स्पेक्ट्रम, स्पैन, उसकी लिमिट कितनी है। और अगर हम एंटोनिम की बात करें तो एक्सट्रीम लिमिटेशन पार्ट, फ्रेंड्स एक्सट्रीम मतलब लिमिटेशन पार्ट, मतलब उसका पार्ट, उसका लिमिटेशन मतलब अगर आप इसका यूज देखें तो होल गैमट ऑफ वुमेन इमोशन, वुमेन इमोशन की सीमा को हम लोग कहते हैं गैमट, लिमिट को रेंज, स्पेक्ट्रम, स्पैन। एंटोनिम की बात करें तो एक्सट्रीम लिमिटेशन पार्ट, किसी चीज़ की अगर कोई रेंज नहीं है तो उसको हम लोग कह देंगे सिनोनिम में, लेकिन अगर उसकी रेंज है यहीं तक सीमित है वो, तो उसको हम लोग कह देंगे उसके एंटोनिम में वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स आपके सामने लॉडेबल, लॉडेबल एक्ट इज एडजेक्टिव इन सेंटेंस, इसका मतलब होता है प्रशंसनीय। मीनिंग की बात करें अगर फ्रेंड्स तो डिजर्विंग प्रेज एंड कमेंडेशन। सिनोनिम की बात करें तो प्रेज वर्दी, कमेंडेबल, एडमायरेबल, मीन्स फ्रेंड की किसी भी चीज़ का अगर प्रशंसा कर रहे हैं, किसी भी चीज़ से अगर आप खुश हैं, एडमायर हैं, तो आप उसका प्रेज कर रहे हैं, मतलब वो चीज़ वो डिजर्व करता है, प्रशंसा करना वो मतलब उसकी क्वालिटी है कि वो उसका आपको प्रेज करना पड़ रहा है। सिनोनिम की बात करें अगर फ्रेंड तो सिनोनिम की तो प्रेज वर्दी, कमेंडेबल, एडमायरेबल। अगर एंटोनिम की बात करें तो ब्लेम वर्दी, शेमफुल, ब्लेम वर्दी मतलब फ्रेंड एकदम बेकार है वो, उसका कोई भी प्रशंसा नहीं करने लायक है, शेमफुल है, बिल्कुल एकदम खराब चीज़ है। लॉडेबल थॉट द ए माइट बी द रिजल्ट हैव बीन क्रिटिसाइज्ड, लॉडेबल थॉट द ए माइट बी द रिजल्ट हैव बीन क्रिटिसाइज्ड, रिजल्ट मतलब जो रिजल्ट है वो निंदनीय है। नेक्स्ट वर्ड फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे इम्पिंगिंग, इम्पिंगिंग एक्ट एज ए वर्ब इन सेंटेंस में, उसका मतलब होता है प्रभाव पड़ना, इफेक्ट, हैव एन इफेक्ट, किसी भी चीज़ का प्रभाव पड़ना, अगर कोई चीज़ घट रहा है तो उसका प्रभाव किस तरह पड़ेगा, उसका इफेक्ट कैसा पड़ेगा हमारे ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, तो उसको कहते हैं इम्पिंगिंग, स्पेशली अ नेगेटिव वन, और नेगेटिव इफेक्ट, याद रखिएगा ये नेगेटिव इफेक्ट के टर्म में बात हो रहा है। अगर सिनोनिम की बात करा जाए तो अफेक्ट, हैव एन इफेक्ट ऑन, हैव अ बियरिंग ऑन, वो कैसा इफेक्ट कर, वो कैसा आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है, उसका इफेक्ट क्या होगा, उसके होने से आपके और सब काम पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा, उसका मतलब होता है फ्रेंड इम्पिंगिंग। अगर एंटोनिम की बात करें फ्रेंड तो अवॉइडिंग, डॉगलिंग, लिविंग अलोन, छोड़ देना, अवॉइड करना, दूर होना, इन सबको कहते हैं एंटोनिम। यूजर्स की बात करें फ्रेंड तो सेवरल फैक्टर्स इम्पिंग ऑन मार्केट इफिशियंसी, मार्केट इफिशियंसी पे कुछ फैक्टर्स प्रभाव डाल रहे हैं, मतलब मार्केट इफिशियंसी की रेट पे कुछ फैक्टर्स हैं जो प्रभाव डाल रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे फ्लरी, फ्लरी एक्ट एज ए नाउन इन सेंटेंस, जिसका मतलब होता है हड़बड़ी। मीनिंग की बात करें अगर फ्रेंड्स तो अ नंबर ऑफ थिंग्स अराइविंग और हैपनिंग सडनली और ड्यूरिंग द सेम पीरियड, एक ही पीरियड में कई सारे चीज़ों का घटना जिससे आप परेशान हो जाएं कि ये संभाले कि वो संभाले, इसका मतलब कहते हैं फ्लरी करना। सिनोनिम में स्पीड, वेव, वेव, फ्लर, डिजोल्ड, फ्रेंड्स वेव, फ्लर, बढ़ाना, हवाएं चलना, वेव चलना, जैसे मतलब आप समझ लीजिए फ्रेंड्स कि एक ही टाइम पे अगर आपसे कोई भी कह दे ये काम भी कर दो, वो काम भी कर दो, थर्ड पर्सन भी अपना कर दे, फोर्थ पर्सन भी अपना काम करवाए, तो आप परेशान हो जाएंगे, हड़बड़ी में काम करेंगे, आपका काम खराब हो जाएगा। तो कहते हैं फ्रेंड्स सिनोनिम में स्पेड, वेव, फ्लर, डेल्यूज। एंटोनिम की बात करें फ्रेंड्स तो डर्थ और ट्रिकल, डर्थ ट्रिकल मतलब फ्रेंड कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है हड़बड़ी में काम, अगर आपको कोई भी काम आप एक बार में ही काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप ट्रिक से वो काम जल्दी जल्दी निपटा दे रहे हैं। फ्लरी ऑफ एडिटोरियल हॉस्टाइल टू द गवर्नमेंट, कई सारे एडिटोरियल्स जो न्यूज़पेपर में कई सारे एडिटोरियल छपे हुए हैं, या एडिटोरियल की हड़बड़ी से गवर्नमेंट जो परेशान हो गई है। नेक्स्ट वर्ड आपके स्क्रीन पे फ्रेंड्स पार्स, पार्स एक्ट इज अ वर्ब, वर्णन या व्याख्या करना। मीनिंग है फ्रेंड टू रिजॉल्व इनटू इट्स एलिमेंट एज अ सेंटेंस पॉइंटिंग आउट द सेवरल पार्ट ऑफ स्पीच एंड देयर रिलेशन टू ईच अदर बाय गवर्नमेंट और एग्रीमेंट। किसी भी गवर्नमेंट या उसके एग्रीमेंट में दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है, तो उन सब मैटर को उस एग्रीमेंट में जो जो मैटर को सॉल्व करने के बाद कई सबको रिजॉल्व करना, उसके एलिमेंट्स को देख के रिजॉल्व करना, उसको वर्णन करना, व्याख्या करना, डिटेल में समझ के उसको सॉल्व करना, उसको कहते हैं हम पार्स करना। सिनोनिम इसका फ्रेंड डिस्क्राइब, एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना, इंटरप्रेट करना, बातों को और अच्छे तरीके से सामने वाले के सामने प्रस्तुत करना। एंटोनिम की बात करें तो ऑब्स्क्योर, कन्फ्यूजन वाला, क्लाउड, क्लाउड मतलब फ्रेंड जैसे क्लाउड बादल होते हैं, कन्फ्यूज होते हैं कि कहाँ से क्लाउड किधर जा रहे हैं, किधर मूव हो रहे हैं, कन्फ्यूज रहना, सेम मीनिंग है। यूजेस इन अदर वर्ड्स वी फ्रिक्वेंटली फेल टू पार्स द डाइवर्सिटी विद इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी के अंदर हम लोग फेल हो गए कि
डाइवर्सिटीज़ को पार्स करना, मतलब हम लोग डाइवर्सिटी के अंदर जैसे डाइवर्सिटी के अंदर डाइवर्सिटीज़ होती हैं उसी तरह डाइवर्सिटी के अंदर डाइवर्सिटीज़ को हम लोग वर्णन करने में फेल हो गए, हम लोग व्याख्या नहीं कर पाए उन चीज़ों का, सामने वालों को समझा नहीं पाए। नेक्स्ट वर्ड आपके स्क्रीन पर फ्रेंड्स, हाइप। हाइप एक्ट एज अ वर्ब एंड मीन्स प्रचार करना, मीनिंग प्रमोट और पब्लाइज अ प्रोडक्ट फॉर आइडिया इंटेंसिवली ऑफ एन एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। किसी भी फ्रेंड प्रोडक्ट को आप मार्केट में अगर लेके जा रहे हैं तो देखेंगे आप कंपनी उसकी एडवर्टाइजमेंट करती है, उसकी इफेक्ट बताती है, एक पॉजिटिव इफेक्ट बताती है, उसका बेनिफिट्स क्या है ये बताती है, तो उसी को कहते हैं हाइप करना, मतलब प्रचार करना। सिनोनिम की बात करें फ्रेंड तो पब्लिक साइज करना, मतलब पब्लिक को बारे में, पब्लिक को जा जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, एडवर्टाइज करना, उसका प्रचार करना, प्रमोट करना, मतलब फ्रेंड्स की एक एक स्टेप फर्दर आगे बढ़ना अपने प्रोडक्ट को लेकर। आज यहाँ पे हैं, आज अगर आप स्टेट में प्रचार करें तो कल आप अदर स्टेट में प्रचार करेंगे, प्रमोट करते करते अपने फ्रेंड से प्रमोट करते मतलब बढ़वाएंगे। एंटोनियो की बात करें अगर फ्रेंड तो प्ले डाउन, मतलब फ्रेंड्स की कोई प्रचार ना करना, प्ले डाउन मतलब जैसा है वैसा उसी तरह रहना। एंड इंडस्ट्री क्विक टू हाइप इट्स प्रोडक्ट, अब इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही फास्ट है अपने प्रोडक्ट को प्रचार करने में। नेक्स्ट वर्ड है आपके फ्रेंड्स, रिससिटेट एक्ट एज अ वर्ब इन सेंटेंस, पुनर्जीवित करना, मतलब फ्रेंड किसी भी चीज, किसी भी निर्जीव चीज़ों में दोबारा जान डाल लेना, जैसे मेक समथिंग एक्टिव और विगरस, अगर विगरस मतलब एनर्जी, विगरस मतलब होता है फ्रेंड्स एनर्जी, किसी भी ऐसी चीज़ जिसमें जान कुछ कम हो गई उसमें आप दोबारा जान डाल दें, उसको कहते हैं पुनर्जीवित करना। सिनोनिम की बात करें फ्रेंड तो रिवाइव, रिसेट, रिस्टोर, मतलब फ्रेंड्स की कोई भी डिलीट किया हुआ चीज़ अगर आप अपने कंप्यूटर से सिस्टम से रिस्टोर करते हैं तो आप एक तरह से ये समझ लीजिए कि वो अब बेकार हो चुके हैं लेकिन आप उसको दोबारा अपने यूज़ में ला रहे हैं, तो इसका मतलब होता है फ्रेंड्स रिवाइव एंड रिसेट एंड रिस्टोर करना। एंटोनिम की बात करें तो बोर, डिस्ट्रॉय एंड डिस्प्रेस, बोर होना, डिस्ट्रॉय खराब होना, डिप्रेस होना खराब हो गया। यूज़ की बात करें अगर फ्रेंड तो मेजर टू रिसस्टिकेट द एलिंग इकोनॉमी, फ्रेंड्स इकोनॉमी को दोबारा हम लोग पुनर्जीवित कर रहे हैं, मतलब अपने इकोनॉमी को दोबारा हम घटा हुआ अगर इकोनॉमी है तो उसको हम दोबारा बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने फ्रेंड्स, फ्लेलिंग, फ्लेलिंग एक्ट एज अ वर्ब, तरंग या बेतहाशा झूलना, इसका मतलब ये समझ सकते हैं फ्रेंड तो वेव और स्विंग डू फील डू वाइल्डली, मतलब कि अगर कोई एनिमल जो कि इंजर्ड है, अगर कोई एनिमल जो कि इंजर्ड है तो वो अपने इंजर्ड कंडीशन में छटपटा रहा है, अपने दर्द के मारे कहार रहा है, तो उसको कहते हैं फ्लेलिंग करना। सिनोनिम की बात करें फ्रेंड तो वेव, स्विंग, थ्रेस अबाउट, वेव मतलब फ्रेंड की बेतहाशा अपने हाथ पर पीटना, अगर आपको कहीं भी कुछ दर्द है आपके शरीर में तो आप देखेंगे बेतहाशा हाथ पर कुछ लोग पीटते हैं, दर्द के मारे कहारते रहते हैं, तो उसको कहते हैं फ्रेंड फ्लेलिंग करना। एंटोनिम की बात करें तो कम्प्लीमेंटिंग, प्रेजिंग, कम्प्लीमेंटिंग, प्रेजिंग मतलब फ्रेंड्स की आप प्रेज कर रहे हैं किसी को, आप किसी की बढ़ाई कर रहे हैं तो, और कम्प्लीमेंट मतलब आप किसी को कम्प्लीमेंट दे रहे हैं, आप उसकी अच्छाइयों के बारे में उसको आप खुश कर रहे हैं। हिज आर्म फ्लेल्ड एज ही शॉट टू मेंटेन हिज बैलेंस, हिज आर्म फ्लेल्ड एज ही शॉट टू मेंटेन हिज बैलेंस, फ्रेंड्स बैलेंस बनाने के लिए उसका जो हाथ, उसका जो आर्म है वो इधर उधर तरंगों में इधर उधर भाग रहा है, मतलब आप अगर मान लीजिए अगर आप किसी रोप पे चल रहे हैं तो उस पर बैलेंस बनाने के लिए आप अपने दोनों हाथ को बैलेंस करते हुए रहेंगे, अगर आपका हाथ बैलेंस आपकी बॉडी बैलेंस रहेगी, तो उसी को कहते हैं फ्लेलिंग करना। नेक्स्ट वर्ड फ्रेंड्स आपके सामने डेंट, डेंट एक्ट एज ए नाउन, इसकी मतलब होती है डिक्रीज करना, कमी करना, रिड्यूस करना, कटौती करना, मीनिंग रिडक्शन इन अमाउंट और साइज, साइज में किसी इसके साइज में रिडक्शन करना, अमाउंट में रिडक्शन करना, क्वांटिटी में रिडक्शन करना, कम करना। सिनोनिम की बात करें फ्रेंड तो रिडक्शन, डिप्लीशन, रिडक्शन मतलब कि कम करना, डिप्लीशन करना, रिडक्शन करना। एंटोनिम की बात करें फ्रेंड तो बढ़ाना, जस्ट इसका उल्टा मीनिंग है बढ़ाना। आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये सिनोनिम है, सॉरी अगर ये आपका सिनोनिम है, ये एरो अगर आपका सिनोनिम है तो ये आपका एंटोनिम है, सिनोनिम आपको डाउन एरो है तो एंटोनिम आपको अप एरो है। यूजर्स की बात करें, बेरली मेड अ डेंट इन पॉवर्टी रेट, पॉवर्टी रेट में वो थोड़ी सी कमी लाया है, बहुत मुश्किल से कमी लाया है, उसको कहते हैं फ्रेंड्स डिक्रीज करना। ये थे फ्रेंड्स आज की द हिंदू वो कैप्स 10 आप मोस्ट टिपिकल द हिंदू वो कैप्स, हमारे साथ बने रहिए फ्रेंड्स, जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल, वेरी यू सपोर्ट फ्रेंड्स।